तो आज का अपना रिव्यू होने वाला है प्रोजेक्शन स्क्रीन को लेके। यस, टाइटल में आपने देख ही लिया है। तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा प्रोजेक्शन स्क्रीन के बारे में रहेगा, जो हाल ही में मैंने अपने होम थिएटर में इंस्टॉल की है। 135 इंचेस की स्क्रीन है जो रिप्लेस की है मैंने अपने 65 LG 4K USD TV के साथ। पहले मेरे पास 4K USD TV था, उसके साथ अब वो हटा के मैंने 135 इंचेस की ALR स्क्रीन मैंने लगाई है। अभी रिप्लेस करना चाह रहे हैं TV अपने प्रोजेक्टर के साथ या पावर प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि इस स्क्रीन के क्या क्या फायदे हैं और ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और आपके रूम के हिसाब से ये कैसी रहेगी। पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे, एक बार डेमो देखेंगे। तो चलिए हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी मैक्स अमेज वंस अगेन। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो से पहले बताया, आज मैं बात करूंगा एक प्रोजेक्शन स्क्रीन के बारे में जो हाल ही में मैंने अपने इंस्टॉल की है होम थिएटर में। ये 135 इंचेस की स्क्रीन है जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, और ये है ब्रांड एलीट स्क्रीन। यस, आपने नाम तो सुना ही होगा। जो मेरे दोस्त अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो शौकीन है होम थिएटर के, जो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं घर में एक बड़ी स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे या बड़े टीवी पे, तो या अभी जिन दोस्तों ने मेरा प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया है और फिगर आउट कर रहे हैं कि स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए मुझे, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। तो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आपको डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो स्क्रीन है ये है एलीट स्क्रीन की तरफ से जो मैंने इंस्टॉल की है। ये है एओन सीरीज सिनेग्रे 3D। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि स्क्रीन इनोवेशन करके एक ब्रांड है, एलीट स्क्रीन है, और आपका एलकोर है, इन लाइट है, लिबर्टी ग्रैंड व्यू है, ऐसे काफ़ी सारी स्क्रीन्स है जो अवेलेबल है। और काफ़ी कंफ्यूज हो गया था मैं भी, काफ़ी फिगर आउट किया मैंने और काफ़ी R&D की। प्रोजेक्टर लिए हुए मुझे 4-5 महीने हो गए थे, बट स्क्रीन मैं फ्रीज नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सी स्क्रीन मुझे लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने फाइनली चूज़ की है ईओन सीरीज सिनेग्रे 3D, जिसका गेन है 1.2। ये एलीट स्क्रीन की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्क्रीन है जो एज फ्री है, और ये है 4K HDR10 और एक्टिव 3D कंपैटिबल। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसका जो गेन है वो 1.2 है। गेन इन द सेंस, अगर आप उसे पूछेंगे तो गेन का जो फंडा है वो है 1.2, 1 इज योर 100%। जो आपका प्रोजेक्शन, जो लाइट प्रोजेक्ट करता है, आपके बाउंस ऑफ करता है आपके जो वॉल पे या स्क्रीन पे, इट्स 100%। और अगर आप ALR स्क्रीन लेते हैं और कोई भी स्क्रीन लेते हैं, या सिनेग्रे वाइट लेते हैं या सिनेग्रे लेते हैं, तो जो भी इसका गेन होता है, जैसे 1.1 होगा तो आपका जो 0.1 होगा वो 10% इंक्रीज़ करेगा आपके ब्राइटनेस को। 0.2 जो होता है वो 20% आपको ब्राइट कर देता है आपकी। अगर 1 होगा तो 10% ब्राइट कर देगा, 20 होगा तो आपको 20% और ब्राइट कर देगा पिक्चर को, 0.3 होगा तो आपको 30% और ब्राइट कर देगा। तो गेन का जो फंडा होता है वो यही होता है कि 1.2 या 1.1, 1.3 आप अपने रूम के हिसाब से आप अपने चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इनडोर में, आपके थिएटर में अगर लाइट काफ़ी आती है तो आप 1.2 भी, 1.1, 1.2, 1.3 भी ले सकते हैं आप। तो अगर आप भी अभी स्क्रीन ढूंढ रहे हैं, R&D कर रहे हैं, अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर तो मैंने ले लिया है तो स्क्रीन मुझे कौन सी लेनी चाहिए, रूम के हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, बेसिकली ALR स्क्रीन जो है यूज़ होती है आपके जिस रूम में अगर सनलाइट या वैसी रोशनी काफ़ी है, लाइट ऑफ करने के बाद भी अगर आपके रूम में लाइट रहती है तो ALR स्क्रीन ही आपको इंस्टॉल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे लिविंग रूम में मैंने अपना होम थिएटर बनाया हुआ है, तो बड़ी विंडो है जिससे लाइट आती है, और ALR स्क्रीन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन है, यानी कि एम्बिएंट लाइट जितनी भी होती है उसको रिजेक्ट करती है, आपको पूरा वैसे ही आपको एक होल एक्सपीरियंस देती है। जैसे डार्क रूम में आपको एक मूवी का एक्सपीरियंस आता है प्रोजेक्शन स्क्रीन पे, एक वैसी एक्सपीरियंस आपको मिलता है विद इन लाइट, अगर आपके रूम में लाइट है या कहीं से भी आपके रूम में लाइट एंटर कर रही है। तो एक बेसिकली ALR स्क्रीन का तो यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसको करेंगे असेंबल। असेंबल करने के बाद इसको माउंट करेंगे, उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोजेक्टर के साथ और पूरा अलाइनमेंट के साथ। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक डेमो, ये रोशनी के अंदर या लाइट के अंदर या आउटडोर लाइट या आपकी एम्बिएंट लाइट रहती है तो तब इसमें आपको मूवी देख रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, या एकदम डार्क करके देखेंगे तो उसका तब कैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको डेमो में जरूर दिखाऊंगा। तो आप इसको वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। और इसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैंने कहाँ से ली है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने की मुझे पड़ी है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं,
कि मैंने कहाँ से परचेज किया, तो मैं आपको जरूर हेल्प आउट करूँगा इसके बारे में। तो चलिए,
तो फाइनली स्क्रीन इंस्टॉल हो गई है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी। काफ़ी ह्यूज, काफ़ी प्रीमियम लग रही है स्क्रीन। जब तक नीचे इंस्टॉल हो रही थी या असेंबल हो रही थी तब तक लग रहा था कि काफ़ी छोटी है, बट वॉल पर लगने के बाद तो काफ़ी बड़ी लग रही है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, नाइस। अब तो कह रहे थे ये एज फ्री स्क्रीन है। यस, एज फ्री है। जैसे कि आप ये ब्लैक बॉर्डर जो देख रहे हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं। बट मैंने जब इसको लगा के देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इसके साथ, बॉर्डर के साथ। तो मैंने सोचा इसको ऐसे रहने देते हैं, बॉर्डर के साथ ही इसको लगा देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको हटा भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको लगा भी सकते हैं। तो वैसे अगर सही मायने में कहूँ, उसको आप लगा, बिना लगाए यूज़ करेंगे तभी इसको एक्चुअली एज फ्री कहते हैं। ये ऑप्शनल दिया हुआ है कि कई लोगों को एकदम एज जो होता है, काफ़ी मतलब जो एकदम एज टू एज पिक्चर आते नहीं पसंद है, थोड़ा सा बॉर्डर लगे होता है तभी थोड़ा लगता है कि हाँ एक बड़ी स्क्रीन चल रही है। और यह इसकी वॉल का साइज़ क्या है आपका? वॉल का साइज़ जो मेरा इस वॉल का साइज़ है वो है 14x10 फीट के अराउंड। 14 इसकी हाइट है और सॉरी 14 इसकी वेट है और 10 इसकी हाइट है। तो इट्स 14x10 वॉल का साइज़। और स्क्रीन का साइज़ क्या है? स्क्रीन का साइज़ मैं आपको बताऊं, वैसे तो डायगनली 135 इंचेस है, जैसे ही मैंने आपको लोगों को पहले बताया था। और अगर फीट्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12.5 फीट इसकी विड्थ है और अराउंड 6.5 फीट जो है इसकी हाइट है। और इसकी इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लगा? इंस्टॉलेशन में इसका काफ़ी टाइम लग गया, 3 घंटे के अराउंड इसकी इंस्टॉलेशन में लग गए। 2 जने लगे हुए थे इंस्टॉलेशन में, पूरा असेंबल करके एकदम टेंशन फ्री स्क्रीन लगा के एकदम बहुत केयरफुली ऐसे इन लोगों ने असेंबल किया है। फिर उसको बाद इसको माउंट करने तक और फिर उसके बाद कन्फिगर करने तक आई थिंक 3 घंटे के आसपास तो लगे गए हैं। और इसके वेट की अगर मैं बात करूँ, इसका वेट कितना होगा? इसकी वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका वेट है तकरीबन 14 kg के आसपास। सिंस सारा इसका जो फ्रेमिंग है वो एल्यूमिनियम की है जैसे कि आपने देखा, और इसीलिए थोड़ा हल्का है इसका वेट में, ताकि इजीली माउंट हो जाए। अगर ये स्टील का होता या आयरन का होता तो माउंटिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। और कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं, बस ये और कुछ नहीं। तो चलिए अब हो गया डेमो का टाइम, एक बार डेमो भी देखते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। लगने के बाद अभी जब इंस्टॉल हुई थी तब लग रहा था काफ़ी छोटी है, बट लगने के बाद अभी लग रहा है कि काफ़ी ह्यूज है। 135 इंचेस मतलब कम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे 1.2 गेन की जो मैं बात कर रहा था वो काफ़ी हद तक सही है। मुझे लगता था कि लिखने को तो 1.2, 1.5 कुछ भी लिख देते हैं, बट मुझे पता चल रहा है कि अगर ये वाइट के ऊपर अगर ये पिक्चर अगर फॉल कर रही होती या उस पर अगर प्रोजेक्ट हो रही होती तो ये थोड़ा सा और डाउन हो सकती थी पिक्चर क्वालिटी। बट सिंस मटेरियल इसका ग्रे है और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी काफ़ी इतनी ब्राइटनेस, इतनी लाइट है मेरे रूम में, अभी भी डार्क सीन है बट काफ़ी विजिबल है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार सारी लाइट ऑफ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आप देखिए कि ये किस तरीके से और पिक्चर क्वालिटी और निकल के आती है। तो लाइट ऑफ करके देखते हैं एक बार। एलेक्सा, स्विच ऑफ द लिविंग रूम। तो अब लाइट्स ऑफ हो गई हैं सारी, तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी डार्क सीन है मगर काफ़ी ब्राइट लग रहा है अब, और भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी हद तक और ब्राइट हो गई है अभी। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने अभी SDR से हटके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन का एक कंटेंट चलाया, तो आप देख पा रहे होंगे कितना ब्राइट है और कितना वाइब्रेंट आ रही है पिक्चर अभी।
और इस चीज़ का मुझे पता नहीं, बट आई थिंक जहाँ तक मैंने ये चूज़ की है तो आई थिंक मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया और स्क्रीन से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा प्रोजेक्शन स्क्रीन को, बट आई वुड से कि मेरा अगर आप उसको 1-to-1 अगर आप देखेंगे बैठ के अगर तो काफ़ी इम्प्रेस होंगे आप भी। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरीके की पिक्चर क्वालिटी होगी अगर आप इस स्क्रीन को लेते हैं। एक बार लाइट ऑन करके भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का कंटेंट चला रखा है, एचडीआर नहीं है ये, तो लाइट ऑन करके देख लेते हैं एक बार। एलेक्सा स्विच ऑन द लिविंग रूम। अब आप देख रहे हैं मैंने अभी लाइट्स ऑन कर दी हैं कमरे में, मेरे रूम में अभी लाइट्स ऑन है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए लाइट ये ऑन हो गई, एक ये लाइट ऑन है और फिर भी देख लीजिए विजिबिलिटी, देखिए आप ब्राइटनेस देखिए, कंट्रास्ट देखिए स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि आपको लाइट बंद करके ही मूवी देखनी है, अगर आप लाइट ऑन करके भी मूवी देखना चाहते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन पे तो यू कैन ईजिली सी। तो कुल मिला के मेरा पैसा तो वसूल हो गया है और आई थिंक जो भी मेरा दोस्त अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी इन फ्यूचर अगर प्रोजेक्टर लेने की सोच रहे हैं और प्रोजेक्टर स्क्रीन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, होम थिएटर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार इस पर आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए। तो एक बार ऑफ कर लेते हैं एक बार दोबारा लाइट। एलेक्सा स्विच ऑफ द लिविंग रूम प्लीज। लाइट्स ऑफ हो गई हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब सारी लाइट्स ऑफ हैं। अब आप पिक्चर क्वालिटी देखिए इसकी, तो भी एक्साइटमेंट इतना है कि बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि अभी बस 2-3 मूवी देख डालूँ, बट आप लोगों के लिए वीडियो भी रेडी करना है। आपको मैं दूसरे एंगल से भी एक बार दूसरे लेंस के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ पूरी, अभी S2H पूरी स्क्रीन कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ये लेंस पूरी कवर नहीं कर पा रहा स्क्रीन, तो मैं अपना दूसरा लेंस लगा के एक बार कवर करने की कोशिश करता हूँ, H2H पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ। ये जो आप वो भी देख रहे हैं बिल्कुल फ्रंट से दिखा रहा हूँ मैं आपको, फ्रंट एंगल एकदम, पहले जो देख रहा था बिल्कुल थोड़ा लेफ्ट साइड एंगल से लेके मैं आपको दिखा रहा था, अब ये फ्रंट एंगल देख पा रहे आप अभी। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा टीवी ही चल रहा है, कोई कह नहीं सकता कि प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे इस वक्त प्रोजेक्शन हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे लेफ्ट साइड पर भी टीवी भी चल रहा है और सामने ये स्क्रीन है, ये लेफ्ट साइड पर देखिए आप। जो लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं मेरा LG का 4K USD टीवी है अल्ट्रा HD, तो आप इसको देखिए एक बार और आप प्रोजेक्टर पे देखते हैं, मतलब यू हार्डली डिफ्रेंशिएट क्या ये टीवी चल रहा है या प्रोजेक्टर चल रहा है, तो काफ़ी वाइब्रेंट है। और मेरे थिएटर की अभी लाइट्स ऑन है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एक ये लाइट ऑन है, एक ये टेबल लैंप चल रहा है मेरा और इस कॉर्नर में भी एक लाइट ऑन है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पिक्चर कितनी ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखने में, कोई इशू नहीं है देखने में। और अभी आप ये 135 इंचेस की स्क्रीन देख रहे हैं और इधर लेफ्ट साइड में अगर आप मैं दिखाऊं तो ये मेरा 65 इंचेस का टीवी है जो चल रहा है अभी, इस पर भी आप देख पा रहे हैं सेम क्लिप मैंने ऑन कर रखी है, तो इसकी ब्राइटनेस और सामने इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब एक काम करते हैं लाइट्स ऑफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं और कितनी पिक्चर ब्राइट होती है। तो लाइट ऑफ करके देखते हैं एक बार। एलेक्सा स्विच ऑफ द लिविंग रूम। अब लाइट्स ऑफ हो गई हैं और अब आप देख पा रहे होंगे कि ब्राइटनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, शार्पनेस बढ़ गई है, कंट्रास्ट आ गया पिक्चर में और ज़्यादा। सॉरी फॉर माई रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। अब आप इजीली फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि विच इज़ बेटर, स्क्रीन या टीवी, स्क्रीन या टीवी। तो बिग स्क्रीन का अपना ही मज़ा है। मेरा शौक था कि 65 इंचज़ के बाद एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, तो आई थिंक माई ड्रीम कम्स ट्रू। तो ये है एक लुक LED स्क्रीन वेबसाइट का, ये जो आप देख रहे हैं ये है Aeon Series Cinegrade 3D की डिटेल्स।
जो आप देख पा रहे होंगे अभी। ये जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं सारी उसी मॉडल की हैं जो मैंने इंस्टॉल की है अपने होम थिएटर में। ये जो आप देख पा रहे हैं गेन इसका, और भी काफ़ी सारी स्क्रीन्स के बारे में अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस वेबसाइट पे सारी अवेलेबल हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके सेगमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ईऑन सीरीज है, सेबल सीरीज है, और भी काफ़ी सारी सीरीज है। सिने वाइट आती है और सिने ग्रे है, 3D है, सिने ग्रे 3D, सिने ग्रे 5D, काफ़ी सारे वेरियंट हैं इसके जो आप चूज़ करते हैं, जिसमें से जो भी आपके रूम टेम्परेचर रूम के अकॉर्डिंग है जो भी आपके फिट बैठता आप इस वेबसाइट के थ्रू फिगर आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इसको फिगर आउट करके आपकी डिटेल अगर आप फ्रीज कर लेते हैं, अगर आप चूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट में से आपके प्रोजेक्टर के हिसाब से स्क्रीन कौन सी बेस्ट रहेगी, सिने वाइट बेस्ट रहेगी या सिने ग्रे बेस्ट रहेगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये डिटेल मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ अच्छे से, और इसके बारे में जो भी मुझसे हेल्प बन पाएगी मैं आपको जरूर करूँगा अगर आप इस स्क्रीन को लेना चाहते हैं तो। और यस, मैं आपको बता दूं ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैंने खुद से ही शूट किया है, मेरा खुद का ही इनिशिएटिव है ये। तो चलिए बैक चलते हैं अपने रिव्यू पे। तो अभी आपने देखा इंस्टॉलेशन, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, डेमो, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे सब्सक्राइबर अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो घर में अभी होम थिएटर बनाना चाह रहे हैं या जो प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया है जिन्होंने, या स्क्रीन अभी फिगर आउट कर रहे हैं या प्रोजेक्टर और स्क्रीन दोनों फिगर आउट कर रहे हैं, तो स्क्रीन के मामले में आपको आई थिंक ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में LED स्क्रीन का मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके रूम के हिसाब से कौन सी स्क्रीन बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस स्क्रीन के काफ़ी सारे साइज़ हैं, छोटे से बड़े, आप कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं अपने रूम के वॉल के हिसाब से। तो काफ़ी सारे दोस्त इस चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मुझे एंथू मिलेगा। और होम थिएटर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है AV रिसीवर्स को लेके, स्पीकर्स को लेके, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी होम थिएटर से रिलेटेड है, अगर उसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख के मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। और इस स्क्रीन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है, इसके कॉस्ट कितनी है या मैंने कहाँ से परचेज की है और इंस्टॉलेशन में कैसे है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ और कमेंट सेक्शन पर जाकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस स्क्रीन के बारे में, इसकी क्या कॉस्ट रहेगी और ये कहाँ से मिल पाएगी आपको, कैसे इंस्टॉल हो पाएगा। करते हैं इस वीडियो को ये एंड और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग और एक नए रिव्यू के साथ। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले फर्दर जो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं नए नए अनबॉक्सिंग और नए नए रिव्यूज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।